नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यूपीपी री एग्जाम जो आपका कांस्टेबल का है, उस कांस्टेबल के एग्जाम का लास्ट फेज यानी 30 और 31 को चार शिफ्ट की पेपर और रह गई है। और अभी तक अगर जितना हम लोगों ने पेपर को एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बुक्स एंड ऑथर के दो क्वेश्चंस तो आपके आ रहे हैं, और वो दो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं अगर शिफ्ट में देखा जाए तो इंग्लिश लिटरेचर, जो आपके इंग्लिश लिटरेचर हैं, चाहे वो आपके अमेरिकन हुए, चाहे आपके ब्रिटेन के हुए, चाहे आपके रशियन राइटर्स हुए, और उसपे और किसी भी आपके जो बुक्स हैं उनपे बनी हुई कोई मूवी या वेब सीरीज, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक मेरा छोटा सा प्रयास और है बुक्स एंड ऑथर को लेकर के, इसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अगर मिलेगा तो जाहिर, अगर जिस पैटर्न पे आपका यूपीपी कांस्टेबल पेपर बना रहा है तो आई होप सो इससे क्वेश्चंस आपके मिलने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है द डॉल्स हाउस, सॉरी अ डॉल्स हाउस है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके हेनरिक इप्शन के द्वारा। बात कर रहे हैं जेन आयर, ये आपका क्वेश्चन आया भी था, तो शार्लोट ब्रांटे ने जेन आयर बुक लिखा है। फादर एंड सन की अगर मैं बात करूं तो फादर एंड सन ने क्वेश्चन नंबर थ्री में, फादर एंड सन की अगर मैं बात करूं तो इवान तुर्गेनेव ने लिखा है, कौन सा? फादर एंड सन को। क्राइम एंड पनिशमेंट, ये भी बुक आपका आया है, रशियन राइटर है फ्योदोर दोस्तोवस्की, इन्होंने लिखा है। वर्जीनिया वुल्फ की अगर मैं बात करूं तो वर्जीनिया वुल्फ ने दो बुक लिखा हुआ है, एक टू द लाइट हाउस, एक ऑरलैंडो, ध्यान रखेंगे इनकी बुक का नाम है। सन्स एंड लवर्स की अगर मैं बात करूं तो सन्स एंड लवर्स जो लिखा है वो आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा है डी एच लॉरेंस ने, ध्यान रखिएगा। द हेरी एप की अगर मैं बात करूं तो द हेरी एप जो लिखा है वो आपको वो लिखा है कौन? यूजीन ओनील ने, कौन सा लिखा है? द हेरी एप के बारे में। द स्कारलेट लेटर्स, ये आया हुआ है आपका क्वेश्चन, नथोनियल हॉर्थोन आपके लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। द ब्लूएस्ट आई, द ब्लूएस्ट आई की अगर मैं बात करूं तो टोनी मॉरिसन ने द ब्लूएस्ट आई लिखा है, क्वेश्चन नंबर नाइन में आपका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, क्वेश्चन नंबर टेन में अगर मैं बात करूं तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन लिखा है आर्थर मिलर ने, ध्यान रखिएगा। द बियर, द बियर पुस्तक को किसने लिखा है? तो द बियर पुस्तक को अगर मैं बात करूं द बियर पुस्तक के बारे में तो ये लिखा है आपके विलियम फॉकनर ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। बारह नंबर के क्वेश्चन में हक्कलबरी फिन, अगर हक्कलबरी फिन के बारे में मैं बात करूं तो इसको लिखा है मार्क ट्विन ने, 12 नंबर का क्वेश्चन आपका मार्क ट्विन हो जाएगा। अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, 30 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा? तो इसे लिखा है आपके अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, ध्यान रखेंगे ए आंसर सही हो जाएगा। अ पैसेज टू इंडिया, ईएम फोस्टर के द्वारा लिखा गया एक बुक है। रिमेंबरिंग बेबीलोन, अगर रिमेंबरिंग बेबीलोन के बारे में अगर मैं बात करूं 15 नंबर के क्वेश्चन में तो इसे लिखा है डेविड मॉलियोफ ने, ध्यान रखेंगे ए आंसर आपका हो जाएगा। द रिमूवलिस्ट, अगर द रिमूवलिस्ट के बारे में अगर मैं 16 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं तो इसे लिखा है आपके डेविड विलियमसन ने, ये आपका ए नंबर का सही जवाब हो जाएगा। यहां कह रहा है कौन सा? वॉश। अगर मैं 17 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं तो वॉश को लिखा है वी ओ एस एस को, पैट्रिक व्हाइट ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। टॉम जॉन्स, टॉम जॉन्स एक उपन्यास है, नॉवेल है, और टॉम जॉन्स जो 18 नंबर का क्वेश्चन है उसमें टॉम जॉन्स को लिखा किसने है? तो ये लिखा है आपके किसने? हेनरी फील्डिंग ने, ध्यान रखिएगा ए आंसर हो जाएगा इसमें। अच्छा, व्यूथरिंग हाइट्स, डब्ल्यू यू, ये आपका व्यूथरिंग हाइट्स होता है, उस व्यूथरिंग हाइट्स के अगर बारे में मैं बात करूं तो इसको लिखा है किसने? एमिली ब्रांटे ने, ध्यान रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे जो लिखा है वो लिखा है आपके जेम्स जॉयस ने, ध्यान रखेंगे ए आंसर हो जाएगा इसका। मिडिल मार्च, अगर मिडिल मार्च के बारे में मैं बात करूं तो 21 नंबर का क्वेश्चन में आपका लिखा है जॉर्ज इलियट ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अगर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 22 में तो इसे लिखा है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को चार्ल्स डिकेंस ने, ध्यान रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बात करूं तो जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा है। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी, ये जो आपका बुक लिखा है ये लिखा है आपके 24 नंबर के क्वेश्चन में, अगर मैं बताऊं आपसे तो ध्यान रखेंगे ये लिखा है मुरियल स्पार्क ने, आंसर आपका ए हो जाएगा।
ठीक है, हार्ट ऑफ द डार्कनेस क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है हार्ट ऑफ द डार्कनेस, ये लिखा है आपके जोसेफ कॉनराड ने, ध्यान रखेंगे आंसर आपका ए हो जाएगा। आइस कैंडीमैन 26 नंबर के क्वेश्चन में, आइस कैंडीमैन जो लिखा है वो बख्शी सिधवा ने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा ए आंसर हो जाएगा। कह रहा है अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे लिखा है वोले श्वेंका ने, ये बात ध्यान रखिएगा ए आंसर हो जाएगा इसका। कह रहे द स्टोन एंगल, द स्टोन एंगल जो 28 नंबर का क्वेश्चन है उसे लिखा है मार्गरेट लॉरेंस ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहे द सॉलिड मांडला, द सॉलिड मांडला के बारे में अगर मैं बात करूं 29 नंबर के क्वेश्चन में तो द सॉलिड मांडला लिखा है आपके पैट्रिक वाइट ने, आंसर आपका ए हो जाएगा 29 नंबर का क्वेश्चन। 30 में क्या कहा है, अ ग्रेन ऑफ व्हीट, अ ग्रेन ऑफ व्हीट, अ ग्रेन ऑफ व्हीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो नगुजी वेडिंगो ने लिखा है क्या, अ ग्रेन ऑफ व्हीट। चलिए बात करते हैं आपके अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, तो इसे लिखा है वीएस नायपाल ने, ध्यान रखिएगा ए आंसर हो जाएगा। द गॉड फादर ये क्वेश्चन आया हुआ है, मॉरियो पुजो ने लिखा है इसे, ध्यान रखेंगे। जॉ के बारे में अगर मैं बात करूं तो जॉ को जो 33 नंबर के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 33 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, तो इसे लिखा है आपके जॉ को पीटर बैंकिले ने, ध्यान रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। फॉरेस्ट गंप, फॉरेस्ट गंप के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये फॉरेस्ट गंप आपके 34 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसे लिखा है आपके विंस्टन ग्रूम ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 द एग्जॉर्सिस्ट, इस पे भी एक मूवी बनी हुई थी, तो द एग्जॉर्सिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे लिखा है विलियम पीटर ब्लैटी ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जुरासिक पार्क ये भी एक मूवी आई हुई है 36 नंबर के क्वेश्चन में, अगर मैं जुरासिक पार्क की बात करूं तो इसे लिखा है आपके माइकल क्रिश्चन ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं आपके सेंस एंड सेंसिबिलिटी, तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी को लिखा है जेन ऑस्टिन ने, अभी प्राइड एंड प्रिजुडिस भी देखा था आपने, जेन ऑस्टिन ने लिखा है। लॉर्ड ऑफ द रिंग ये भी आप जानते होंगे कि एक मूवी आई हुई है जिसे लिखा है किसने, अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग की अगर मैं बात करूं तो इसे लिखा है आपके जे आर आर टॉकिंग ने, ध्यान रखेंगे जे आर आर टॉकिंग ने इसे लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए 39 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इसे लिखा है कैसिनो रॉयल, कैसिनो रॉयल पे भी एक मूवी बनी हुई है और इसे लिखा है फ्लेमिंग इयान ने, ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया ये तो आया ही था ना, तो सी एस लुईस इसके क्या है, इसके रचयिता है। हैरी पॉटर जेके रोलिंग इसको तो आपको पता ही होगा, हैरी पॉटर पे भी मूवी बनी हुई है। टॉम ऑफ शैंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे लिखा है गीतांजलि श्री ने, ध्यान रखिएगा ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। एंड एरा ऑफ डार्कनेस और द ग्रेट इंडियन नॉवेल इसे लिखा है शशि थरूर ने, एंड एरा ऑफ डार्कनेस तो अभी कल के शिफ्ट में पेपर में था। द वर्ल्ड एज आई सी इट इसे लिखा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। कह रहा अग्निवीणा, अगर अग्निवीणा के बारे में अगर मैं बात करूं 45 नंबर के क्वेश्चन में तो इसे लिखा है काजी नजरुल इस्लाम ने, ध्यान रखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए अनब्रेकेबल ये मैरी कॉम की क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, द नाइट ट्रेन एंड एट देवली, अगर द नाइट ट्रेन एट देवली के बारे में बात करूं तो इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और बात करते हैं आपके द ओडेसिटी ऑफ होप इसे लिखा है बराक ओबामा ने। ठीक है, आगे की बात करते हैं अनस्टॉपेबल माय लाइफ सो फार इसे लिखा है आपके मारिया सरापोवा ने, आंसर इसका ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन सेंचुरी इज नॉट एनफ इसे लिखा है आपके सौरभ गांगुली ने, ध्यान रखिएगा ये एक छोटा सा प्रयास है आपके एग्जाम में, थोड़ा सा अगर जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहा है उस पैटर्न के लगभग मैंने आपके, चाहे अमेरिकन राइटर हो, चाहे आपके ब्रिटेन के राइटर हो, चाहे आपके रशियन राइटर हो, इन सारे राइटर्स और जिन पे एक महत्वपूर्ण मूवीज बनी है उन सारे मूवीज को भी मैंने यहां पर रख लिया है, तो ध्यान दीजिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट काम करेगा। एक बार अगर आपको ये पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।